नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये है टाटा की टियागो कार और ये गाड़ी हमारे पास व्हील अलाइनमेंट के लिए आई है। तो आज हम इसका कैम्बर और अलाइनमेंट कैसे होता है ये करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं व्हील अलाइनमेंट मशीन के पास। तो दोस्तों ये गाड़ी हमने व्हील अलाइनमेंट पर लगा दी है और इसमें सेंसर्स वगैरह लगाकर फिट कर दिए हैं। और सबसे पहले इसका आइए कैम्बर करते हैं। तो ये देखिए, इसका कैम्बर शॉकर से एडजस्ट होता है। ये शॉकर में जो दो बोल्ट होते हैं, दोनों बोल्ट को लूज किया जाता है और ऊपर वाला जो बोल्ट है उससे इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो देखिए किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक नट को लूज करके और दूसरे जो बोल्ट से उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है और इसके जो एडजस्ट करके फिर नट को वहीं के वहीं टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए कैम्बर हो चुका है इसका, राइट का कैम्बर इसका सही है, लेफ्ट का किया है। तो अब इसकी टो मिलाते हैं। टो आपके जो ये टाई रोड हैं इससे इसका नट लूज करते हैं पहले, और नट लूज करने के बाद टाई रोड को के द्वारा इसको एडजस्ट करते हैं। इसकी प्लस में थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हुई है कैम्बर होने की वजह से, तो ये इसको एडजस्ट कर रहे हैं। देखो टाइट कर रहे हैं, ये आपकी धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो रही है। तो इस तरह से इसकी टो की एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसी तरह से इसकी राइट की भी एडजस्टमेंट टो की कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट और कैम्बर की सेटिंग की जाती है। टो को फाइनली एडजस्ट कर दिया है, देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आप शॉकर से कैम्बर को एडजस्ट करके टाटा टियागो की व्हील अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हील अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई टूल किट चाहिए या कार की कोई एसेसरीज आपको परचेज करनी है तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट अमेजोन साइट से अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये कुछ जानकारी थी, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।